क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है क्या साइड इफेक्ट क्या प्रिकॉशन मतलब इस टेबलेट की हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके स्टार्ट कर देते हैं डियर सबसे पहले हमारा डिस्क्लेमर यही होगा कि बिना सलाह के कोई भी मेडिसिन लेना हानिकारक हो सकता है चलिए यहाँ देख लेते हैं प्रीमोल्यूट एन टैबलेट में मेनली क्या होता है नॉर एथिस्ट्रोन फाइव एनजी के अमाउंट में होता है जी हाँ नॉर एथिस्ट्रोन क्या होता है एक जो हमारा प्रोजेस्ट या प्रोजेस्टिन जो होता था फीमेल का नेचुरल हार्मोन उसी का एक सिंथेटिक फॉर्म होता है नॉर एथिस्ट्रोन जो कि करता क्या है प्रोजेस्ट्रॉन्ग जो क्या करता था फीमेल में जो पीरियड साइकिल वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबिल होता था प्रेगनेंसी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबिल होता था तो उसी का एक तरह से क्या है सिंथेटिक फॉर्म है जो कि जाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और बात करेंगे डियर इसके यूजर्स की तो प्रूमोलिट एम टैबलेट मेनली आपके इरेगुलर पीरियड को ट्रीट करता है पेनफुल पीरियड को ट्रीट करता है हैवी पीरियड को ट्रीट करता है एंडोमेट्रियोसिस जी हाँ जब यूटेरस के लाइनिंग में क्या होता है टीश्यूज बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है पेल्विक रीजन में क्या होता है दर्द होता है वहां पे पीरियड के दौरान बहुत ही ज्यादा दर्द होता है तो उसको भी ट्रीट करता है और प्री सिंड्रोम जी हाँ मेस्ट्रुअल यानी कि पीरियड आने के पहले जो हमारा आपकी क्रेविंग्स होती है मूड स्विंग होता है और सारी चीजें होती है जो हमारी दिक्कतें होती है उसको भी ट्रीट करता है साथ ही साथ आपके पीरियड को डिले करना पीरियड को स्टार्ट करने के लिए भी ये टेबलेट दी जाती है बात करेंगे डियर कैसे इस प्रोमोलिट एंड टैबलेट को लेना है तो ऑलवेज आपको अपने डॉक्टर फार्मासिस्ट के सलाह के बाद ही किसी भी टैबलेट को लेना होता है

कोर्स चलता रहता है अगर आपकी डोज कोई मिस हो गई तो उसे एज सुन एज आपको क्या करना है उसको लेना है और कोई भी डोज आपको डबल नहीं करनी है जिससे कि आपके दुष्परिणाम न हो सके बात करेंगे डियर कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की तो वेरी कॉमन कुछ साइड इफेक्ट हैं कुछ कॉमन हैं और कुछ अदर साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो वेरी कॉमन साइड इफेक्ट में आपका वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकता है और वेजाइना पे स्पॉटिंग वगैरह देखने को मिल सकती है और आपका पीरियड वगैरह स्टार्ट हो सकता है ब्लड फ्लो हमारा क्या हो सकता है रिड्यूस हो सकता है बात करेंगे डियर कॉमन साइड इफेक्ट की तो हेडक हो सकता है आपको नोजिया फील हो सकता है पीरियड एबसेंट हो सकता है स्वेलिंग वगैरह की कंडीशन आ सकती है और साथ ही साथ आपको डिप्रेशन डिजीनेस पेन जॉन्डिस इन सारी समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है फिर बात करेंगे डियर कुछ वार्निंग की और कुछ प्रिकॉशन की तो मेनली प्रेगनेंसी वगैरह में आपको प्रिकॉशन लेना होता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी प्रिकॉशन लेना होता है विजन एबनॉर्मिलिटीज की भी वार्निंग आती है डायबिटीज और वेट गेन की समस्या भी देखने को मिल सकती है सो डियर स्टूडेंट ये थे आपके प्रीमोलूट एंड टेबलेट के बारे में जानकारी जी हाँ ये मेनली आपके महिलाओं के पीरियड इनरेगुलर पीरियड को ट्रीट ट्रीट करने के लिए, को ट्रीट करने के के लिए लिए को काफी ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है उम्मीद होगी ये जानकारी आपको समझ में आई होगी कुछ सीखने को मिला हो तो ये वीडियो औरों तक जरूर शेयर करें और अगली मेडिसिन किसके बारे में बताएं उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और मेडिसिन की जानकारी चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करके आप अपने प्ले से जाके देख सकते हो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट